नमस्कार बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी पर सवाल और उसके अगले दिन माफी के इन दो वीडियो पर कांग्रेस ने सरकार की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के दो वीडियो साझा किए हैं। पहला वीडियो उस दिन का है जब भाजपा कोयम्बटूर में सदस्यता अभियान चला रही थी और दूसरा वो जिसमें लोगों को वित्त मंत्री से बात करने के लिए बुलाया गया था। इनमें से एक श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन थे जिन्होंने जीएसटी से जुड़ी अपनी परेशानी बताई थी। श्रीनिवासन ने कहा था कि मेरी मिठाई की दुकान है जहां मिठाई पर 5%, नमकीन पर 12%, सादे बन पर 0 और क्रीम वाले बन पर 18% जीएसटी लगता है। श्रीनिवासन ने कहा कि ग्राहक अक्सर कहते हैं कि बस मुझे बन दो, मैं क्रीम खुद लगा लूंगा। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि वित्त मंत्रालय ने मिठाइयों पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है क्योंकि उत्तर भारत में बहुत से लोग मिठाई खाते हैं। तमिलनाडु में मिठाई, नमकीन और कॉफी एक साथ चलते हैं, कृपया इसके लिए एक समान जीएसटी लें। इस जीएसटी भ्रम के कारण कंप्यूटर ही हैंग हो रहा है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस बातचीत का वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के अगले दिन निर्मला सीतारमण ने विभिन्न उत्पादों के लिए अलग अलग जीएसटी दरों को लागू करने के बयान पर बचाव किया। उन्होंने कहा कि मूल्य वर्धित उत्पाद और कच्चे उत्पाद पर एक समान टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की एक समूह से विस्तृत विश्लेषण के बाद जीएसटी परिषद ने कर की दरें तय की हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी जीएसटी परिषद होटल उद्योग के अनुरोधों पर विचार करेगी। वित्त मंत्री के बयान के बाद अगले दिन दूसरा वीडियो भाजपा सदस्यों के एक्स हैंडल के जरिए सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में श्रीनिवासन को वित्त मंत्री से माफी मांगते हुए देखा गया। उन्होंने इसमें कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूं। ये दूसरा वीडियो अपलोड हुआ और फिर सियासत शुरू होगी। देखिए निर्मला सीतारमण पर हमला करते हुए क्या बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत। तमिलनाडु अपने लोगों का, अपने प्रदेश का, अपनी संस्कृति का यह अपमान नहीं सहेगा और इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी पेरियार की लैंड में आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप तिरस्कृत करते हैं लोगों को और ये तिरस्कार, ये अपमान इस देश का कोई राज्य नहीं सहेगा। ये इज्जत है आपकी लोगों के मन में? आप एक छोटे लघु मध्यम उद्योगपति को बुलाते हैं क्योंकि उसने अपनी व्यथा बता दी और उससे माफी मंगवाते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वीडियो को आपके हैंडल, आपके लीडर चलाते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। देयर इज अ रीजन व्हाई द बीजेपी विल नेवर बी एबल टू मेक एन इनरोड इन द लैंड ऑफ पेरियार, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट इंसल्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ तमिलनाडु, ऑफ इट्स हार्ड वर्किंग पीपल, ऑफ हार्ड वर्किंग industrialists who build their businesses with sweat, with equity and with everything that they've had in them. Nirmala Sitaraman ko maafi maangni chahiye kyunki unka ghamand jo hai wo is tarah ka, unse mehngai ki baat kariye to wo kehti hai main lehsun pyaaz hi nahi khati, wo Dettol se logon ka muh saaf karne ki baat karti hai. Ye kis tarah ki bhasha aur kis tarah ke bayan hai? Aur ab jo unki harkat hai, Narendra Modi ne bahut soch samajh kar उनको वित्त मंत्री बनाया है। इस सरकार का हर मंत्री घमंड और अहंकार में इतना चूर है और बार बार उसका ब्यौरा आपको देखने को मिलता है और इसके जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन तमिलनाडु के साथ, तमिलनाडु के लोगों के साथ, तमिलनाडु के कारोबारी के साथ जो आपने किया है वो अस्वीकार है। व्हाट यू हैव डन टू अवर इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु बीइंग ड्रंक एंड इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर इज एब्सोल्यूटली unacceptable. We are not going to accept this. We demand an apology from Ms. Sitaraman. We demand an apology from the BJP, and we also demand the BJP Tamil Nadu unit to come forward and say who recorded that video and why was it uploaded. And is there a price that we have to pay for asking questions of this government, for seeking help, for us giving suggestions? कुल मिलाकर जीएसटी पर वित्त मंत्री से सवाल और उसके बाद श्री अन्नपूर्णा स्वीट्स के मालिक श्रीनिवासन के माफी मांगने वाला वीडियो सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में बना हुआ है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।